અમદાવાદમાં શાહીબાગ સર્કિટ હાઉસ ખાતે સામાજિક ન્યાય અધિકારીતા મંત્રી રામદાસ આઠવલે દ્વારા પત્રકાર પરિષદનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જે અંતર્ગત કેન્દ્રીય મંત્રીએ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીના 9 વર્ષના કાર્યકાળ દરમિયાન સરકારની વિવિધ યોજનાઓ સમાજના દલિત અને ગરીબ વર્ગ માટે આશીર્વાદરૂપ બની છે તે અંગે જણાવ્યું હતું. વધુમાં તેમણે યુસીસી કાયદાને પોતાનું સંપૂર્ણ સમર્થન પણ આપ્યું હતું. सभी आदिवासी विरोध कर रहे हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समान नागरिक कानून का कोई निगेटिव इफेक्ट ट्राइबल के लिए कुछ होने वाला नहीं है. कोई अभी कोई विरोध लोकतंत्र में क्या करना है वो हर एक को अधिकार है, लेकिन ये कानून आदिवासी विरोधी नहीं है, ये कानून दलित विरोधी नहीं है, ये कानून हिंदू विरोधी नहीं है, ये कानून मुस्लिम विरोधी नहीं है, मतलब ये कानून सबके लिए है. और इसीलिए इस कानून को बनाना बहुत बड़ा ज़रूरी है. और ऐसे निर्णय कभी कांग्रेस पार्टी नहीं लेती थी, डेरिंग करने का काम नहीं करती थी. मोदी जी कोई मुस्लिम विरोधी नहीं है, मोदी जी दलित विरोधी नहीं है, मोदी जी सबको साथ में लेकर आगे चल रहे हैं.